चलिए मॉड्यूल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईयूपीएसी मॉड्यूल, राइट। आपने मुझसे भी पूछा कि अल्फा और बीटा का क्या मतलब होता है। मैंने आपको कॉमन नेम्स का एक पैटर्न बताया था और कॉमन नेम्स मैंने कहा था कि आईयूपीएसी से बहुत पहले का ये सिस्टम हुआ करता था जिसमें हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर एक नाम दिया करते थे। प्रीफिक्स में हमने पढ़ा था अगर एक कार्बन टू फॉर्म दो तो ऐसे ऑनवर्ड्स हमने ऐसा डिस्कस किया। तो ध्यान, जैसे इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था। यस सर। इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। यस सर। आईयूपीएसी नहीं, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। अब मान लो इसमें यहां पर OH है और एक OH आपका यहां पर, अब इसका नाम क्या आते हैं, कॉमन नेम। आईयूपीएसी तो आराम से दे देंगे, आईयूपीएसी तो बहुत बाद में आया था, कॉमन नेम क्या आते हैं। तो फिर वहां पर अल्फा बीटा टर्मिनोलॉजी काम में आई, कहा गया कि भाई ये जो मेन आपका ग्रुप है ये जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड दैट इज अल्फा, नेक्स्ट इज बीटा, अगर उसके आगे हो तो गामा। तो ये अल्फा बीटा पोजिशन जो होती थी वो रिलेटिव पोजिशन हुआ करती थी। तो यहाँ पर मेन आपका COH हो गया, तो COH से रिलेटिव, COH जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड दैट पोजिशन विल बी नोन एज अल्फा। अल्फा वाला कार्बन जिससे अगला कनेक्ट होगा दैट विल बी बीटा, बीटा अगला जिससे कनेक्ट होगा दैट विल बी गामा। तो इसको बोल दिया गया अरे ये तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। सर ये बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ये जो अल्फा बीटा टर्मिनोलॉजी बेटा ये कॉमन नेम में हम लोग काम में लेते हैं और ये रिलेटिव पोजीशनिंग है बेसिकली कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो जिस कार्बन से अगला कनेक्ट होगा दैट विल बी अल्फा देन बीटा देन गामा ऑनवर्ड्स एस। ठीक है, चलो मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, कहीं डाउट में ही आएगा तो फिर से मैं समझा। नहीं सर वो क्वेश्चन हो गया। चलिए आपने मुझे कहा एक्साइट वन आपको डिस्कस करनी है, राइट सर। जो बीटा की वैल्यू रहेगी वो अल्फा से हमेशा ज्यादा रहेगी ना। बीटा, अरे अल्फा मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड या नियरेस्ट, और उससे जो आगे कनेक्ट होगा दैट विल बी बीटा, उससे जो आगे कनेक्ट होगा दैट विल बी गामा। जैसे नहीं मतलब जैसे एक्सरसाइज में हमें अल्फा बीटा क्वेश्चन में दिया और आंसर में 1 2 दिया हुआ है, तो उस केस में बीटा की वैल्यू हमेशा अल्फा से ज्यादा होगी ना, मतलब न्यूमेरिकल। अपन एक काम करते हैं, अपन तो क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप उनसे डाउट में सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 6। पहले हम लोग एक काम करते हैं, आपके डाउट्स एक जगह लिख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 3 की नेमिंग कैसे होगी वो भी। CH3 twice CH2 CH3 twice, right? ये वाला कार्बन इसके बाद में इथाइल है तो इथाइल इसी का होगा, इसके लेफ्ट साइड में पूरा ग्रुप है, इसमें भी CH CH3 CH3 कनेक्टेड, CH CH3 CH3 C CH3 C CH2। ये ओपन करना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। अब इसमें ये दोनों कार्बन तीन तीन बॉन्ड वाले का डबल बॉन्ड होगा, राइट। उसके बाद अब इसका क्या करना है, हमें आईपीएसी करना है क्या। हाँ जी, देखिए बहु तो आनी चाहिए, बहु को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ये हो रही थे एक ही बात है। तो मुझे लगता है एक चॉइस तो ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 ये भी आ रही है। क्या इधर जाओ उधर जाओ एक ही बात,
इथाइल में से एक ले लिया और आइसोप्रोपाइल में से एक ले लिया, एक तो ये लेते हैं और एक मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी जा सकते हैं, पहले इसको देखते हैं। अगर ये है तो ये 7 कार्बन की है और इसमें बेटों की नंबर दे सर, 5 ब्रांचिंग है, 5 ब्रांचिंग, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 सब्स्टिट्यूशन है। और अगर मैं मान लो सिलेक्शन ये नहीं करता भाई, ये और ये तो एक ही बात से, अगर सिलेक्शन में ये करता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने बेटे हैं, ये भी 7 है सर, 4 है, 1, 2, 3 और 4 तो 4 बेटे, 1, 2, 3, 4 बेटे। अब आप बताइए 7 कार्बन 5 बेटे, 7 कार्बन 4 बेटे, कौन सा लोगे, 5 सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट से बातें बन रही है, तो फिर मैंने कहा था मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन पर डिसाइड, इसीलिए हम ये वाला नहीं सिलेक्शन ये वाला। क्या ये सिलेक्शन समझ में आया पहले सभी को? हाँ सर। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में हम बेटों बेटों की सॉरी पहले बापू ये तो बहू को मिली, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट। अच्छा अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इसको क्या लिखा है इसने, आइसोप्रोपाइल लिखा है कि मिथाइल इथाइल लिखा है, आइसोप्रोपाइल भी लिखा है मिथाइल इथाइल, तो अपन आइसोप्रोपाइल का आई लेके नाम, तो आइसोप्रोपाइल का आई, मिथाइल का एम, इथाइल का ई, पहले कौन आएगा बताओ, ई आई ए बी सी पहले आएगा, इथाइल, इथाइल की लोकेशन बताइए कहाँ का है, 3, 4, 6, 4, 6, 3, 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 3
मिथाइल लेके काम करते तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होता, ये ई होता, ये एम होता, ये एम होता, अब इन दोनों में ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, फिर कैसे करते बताओ? सर पहले मिथाइल आता क्योंकि ये हवाएं चलने लगती अल्फाबेट, हवा की प्रायोरिटी अल्फाबेट से ज्यादा, तो फिर ये आता, तो आंसर होता उस केस में पहले तो ई ही आता, तो 3-5 डाइफाइल, then 6, 4, 6 डाइमिथाइल, फिर 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, और फिर F3E। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बस जो भी लिखना सही लिखना, इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई? यस सर। राइट, तो ऑप्शन देख लेना कौन सा सही, 6। बीटा इपॉक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, प्रोपियोनिक एसिड। सर ट्रिवियल नेम मतलब? अरे वही कॉमन नेम बेसिकली, ठीक है? ठीक है सर। देखो प्रोपियोनिक एसिड स्ट्रक्चर है, प्रोप मतलब तीन कार्बन, एक एसिड मतलब COH, अभी मैंने अल्फा बीटा तुम्हें बताया था ना, COH जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, दैट इज अल्फा, नेक्स्ट इज बीटा, अल्फा पे हाइड्रोक्सी है और बीटा पे इथॉक्सी है, तो हमने इस ट्रिविल नेम में कॉमन नेम से हमने स्ट्रक्चर बना दी। यस सर। अब आईयूपीएसी देखते हैं, आईयूपीएसी में क्या होगा, आईयूपीएसी में अल्फा बीटा नहीं चलते, आईयूपीएसी में भैया बापू ये रहा, इसको लेते हुए 1, 2, 3, ये हाइड्रोक्सी ये इथॉक्सी है, पहले हाइड्रोक्सी आएगा कि पहले इथॉक्सी आएगा? इथॉक्सी। तो 3 इथॉक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड के प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक नहीं, दिस विल बी आईयूपीएसी एंड दिस इज ट्रिविल, ठीक है? 23 अब यहाँ पर देखो एक गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, ये कार्बन ट्राइवेलेंटली दिया हुआ है,
अब हमें दिमाग लगाना है हाइड्रोजन लगाऊं कि डबल बॉन्ड लगाऊं। हाइड्रोजन हम ऐसे नहीं लगाएंगे, मतलब हाइड्रोजन क्यों लगाएं यार, हम तो सोचते हैं पहले मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, गलती हो गई हो। अब मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं इसके इधर बनाता हूँ तो इस कार्बन की जान निकल जाती है, क्योंकि पेंटावेलेंट हो रहा है, यस और नो? यस सर। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो ये पेंटावेलेंट, यहाँ डबल बॉन्ड लगाता हूँ वो पेंटावेलेंट, इसका मतलब उसने जो दिया है वो गलत दिया है। वहां डबल बॉन्ड नहीं सोचना है, वहां हाइड्रोजन की कमी, वहां हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लगाना वो भूल गया, उसको लगाना चाहिए। समझ में आया मैंने कैसे पकड़ा कि वहां हाइड्रोजन मेरे को पहले लगा? हो सकता है उसने कंडेंस फॉर्मुला वगैरह दिया हो, तो कंडेंस फॉर्मुले में हाइड्रोजन तो लगा दिया, अपन तो मल्टीपल बॉन्ड से पहले से सेटिस्फाई कर पाता। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने मल्टीपल बॉन्ड लगाने की कोशिश करी तो जो पड़ोस वाले कार्बन है वो पेंटावेलेंट हो गए थे, तो फिर मैंने उसको रूल आउट करा, पेंटावेलेंट हो नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब इन्होंने प्रिंटिंग एरर है, हाइड्रोजन वहां होना चाहिए। ठीक है, चल अब ये बापू है, बापू को लेते हुए पेंटल कार्बन चेन में बहु आनी चाहिए, यही हमने पढ़ा। हाँ सर। तो पेंटल कार्बन चेन ये वाली होगी, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है, इथाइल और मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 3-ethyl-2-methyl-butanoic acid। कोई डाउट? नो सर। 26 एसिटिल एसिटोन, सुनो एसीटोन बेटा ये होता है। वैसे तो आपको जब भी कॉमन नेम अगर पूछे जाते हैं, कॉमन नेम की स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपके पास मॉड्यूल में कॉमन नेम की पूरी लिस्टिंग है, नॉर्मन क्लिचर में लास्ट में देखना, काफी सारे कंपाउंड्स उनके कॉमन नेम दिए हुए स्ट्रक्चर के साथ, तो वहां आपको ढूंढने चाहिए थे। बट एसिटिल एसीटोन को हम कोरिलेट कैसे करते हैं समझना, एसीटोन CH3CO CH3 को एसीटोन कहा जाता है और इस ग्रुप को एसिटिल कहा जाता है, इसको एसिटिल ग्रुप भी कहा जाता है, एसिटिल। तो एसिटिल एसीटोन मतलब एसीटोन में आप एसिटिल ग्रुप को कनेक्ट करो, तो कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्ट होगा तो पेंटावेलेंट हो नहीं सकता, तो ये हो गया तुम्हारा एसिटिल एसीटोन। समझ में आया एसिटिल एसीटोन की स्ट्रक्चर? यस। तो एसिटिल एसीटोन ये तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी क्या होगा इसका, 5 कार्बन पेंट एन 2.4 डाइऑन, राइट? हाँ सर। 28 वेन विनाइल अलाइल आर जॉइंड ईच अदर वी गेट विनाइल, ये चीज होती है, दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप, कॉमनली नोन एज विनाइल, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज अलाइल। आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लो, हमने ये आईपीएसी पढ़ी, इथिनाइल, ये प्रोप 2 इनाइल, तो जहां आपने इथिनाइल लिखा है ना नोट्स में वहां आप स्लैश करके विनाइल भी लिख सकते हैं, जिसको हमने प्रोप 2 इनाइल पढ़ा है आप स्लैश करके वहां अलाइल भी लिख सकते हैं, एक प्रोपार्जिल होता है ये, इसको प्रोपार्जिल कहते हैं। तो ये जो है ना, ये जीओसी नाम का जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर ये काफी कॉमनली काम में आएंगे, जैसे विनाइल क्लोराइड, विनाइलिक कैटायन, विनाइलिक एनायन या अलाइल कैटायन, अलाइल कैटायन तो यहाँ पर लगा देंगे अलाइल पोजीशन पर, तो ये अलाइल विनाइल प्रोपार्जिल आप याद रखना, इनके आईयूपीएसी हमने पढ़े हैं, आप चाहो तो इनके कॉमन नेम भी साइड में देखें। ठीक है, अब इसने बोला है कि अलाइल और विनाइल को आप ज्वाइन करवा दीजिए, तो अलाइल विनाइल को ज्वाइन करवा दीजिए, तो ये डाइन सिस्टम है, दो डबल बॉन्ड है, ये डाइन सिस्टम है। अब डाइन सिस्टम में इसने जो क्लासिफाई किया है एलीन कॉन्जुकेटेड और वो जो भी है, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा जीओसी के वक्त कि क्या, या अभी बता दूं, अभी बता दूं क्या सर, अगर छोटा है तो बता दूं, बता देता हूं। मैं टेक्निकल बता देता हूँ, बाकी जब मैं जीओसी पढ़ाऊंगा ना तब मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें फटाफट टेक्निकल बता देता हूँ, तो टेक्निकल क्या फटाफट हो भी जाएगा, टाइम लगता रहेगा। देख ये तीनों के तीनों डाइईन सिस्टम है, तीनों में दो डबल बॉन्ड है, तो डाइईन, दे ऑल आर डाइईन सिस्टम,
यहाँ पर कंसेक्यूटिव डॉर्बोन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव डॉर्बोन के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि दो का सेपरेशन, मैं कह रहा हूँ एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो तीन चार कितने, यहाँ पर कंसेक्यूटिव डॉर्बोन के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, यही अंतर दिख रहा है। तो जब डॉर्बोन्स के बीच में कंसेक्यूटिव डॉर्बोन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन होता है, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेटेड। जब एक कंसेक्यूटिव डॉर्बोन्स के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन होता है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड। और जब कंसेक्यूटिव डॉर्बोन के बीच में एक भी सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन नहीं होता, इट इज नोन एज एलीन और क्यूमुलेटेड, दोनों नाम होते हैं। तो जब विनाइल और अलाइल को आपने ज्वाइन किया ये वाला, तो कंसेक्यूटिव डॉर्बोन के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन, तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड, तो दिस विल बी आइसोलेटेड डायलीन। क्या समझ में आई बात? यस सर, है ना। लेकिन इसको मैं जीओसी में कॉन्जुगेशन को एक कहानी सुना के मैं बताऊंगा, उस कहानी से बड़ा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। और फिर मैं बाबा रामदेव का प्राणायाम कुछ कोरिलेट करूंगा, तो वो बड़ी मजेदार चीज है, जीओसी में हम उसकी बात करें अभी, ठीक है। ओके सर, इसके बाद 40 The molecular weight of following compound is, और ये क्या है, 3-7 diethyl फलाना डीग्रा। भाई सीधी सी बात है, ये जो नाम दिया हुआ है इससे आप स्ट्रक्चर पहचानिए और फिर मोलर वेट तो आप निकालना आता ही है, तो इस पूरे से नाम से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं वर्ड रूट को पकड़ूंगा, वर्ड रूट मुझे नॉन दिख रहा है, तो नॉन मतलब नो कार्बन, नो कार्बन, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, ठीक है, नंबरिंग कहीं से भी कर दो। और आगे क्या बोला है, 3-7 डायथाइल, 2-2 डायमिथाइल, 4 प्रोपाइल, बन गई स्ट्रक्चर बेटा? यस सर, अब समझना। मैं पता है, या तो एक तरीका है कि इस पूरी स्ट्रक्चर को देखकर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, या मेरे पास दूसरा एक और तरीका है, ये है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। हाँ सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। हाँ सर, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2+ को बचपन से पढ़ा है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है। CnH2+2, एल्केन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, ये तीनों जनरल फॉर्मूले पढ़े हैं। हाँ सर, पढ़ा है। तो इसमें मैं टोटल कार्बन काउंट कर लूंगा, 9 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में, न्यूक्लियर से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कार्बन दिखे टोटल मिलाकर। यस सर, तो CN है तो एल्केन, तो CnH2+2, तो C18H 18 2+2 कितना आ रहा, 38। और इसका मोलर वेट क्या जाएगा, 18 × 2+38 × 1, वैसे तो निकालते हैं मोलर वेट, ठीक है सर। 46. The names of the following compounds. टू मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल देखते हैं, 1, 2, 3। हाँ जी, 2-methyl प्रोपेन नाइट्राइल, बिल्कुल देखो आईपीसी है, सही बात है। आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल कॉमन नेम क्या बेटा, कॉमन नेम में याद है प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल, अच्छा 4 कार्बन में भी ये आइसो वाला ग्रुप है, तो ये आइसो ब्यूटाइल, आइसो नियो पढ़ा दिया ना, आइसो नियो एन ये सब, यस सर, तो आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, तो ये अपना प्रीफिक्स हो गया पूरा, राइट। और उसके बाद में साइनाइड अगर होता है तो ओ नाइट्राइल लगाते हैं कॉमन नेम में सिर्फ। हाँ सर, या तो फॉर्म एसिड प्रोपियोन प्रीफिक्स, और उधर इक एसिड, इक एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कॉमन नेम वाले, तो ये ओ नाइट्राइड, तो आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइड। अच्छा मान लो कंपाउंड ये होता, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइरो नाइट्राइड, इसका मतलब कॉमन नेम में क्या किया गया उन्होंने, दोनों में 4 कार्बन साइनाइड का, तो ब्यूटाइरो नाइट्राइड तो दोनों में आता है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है, क्या करें,
तो एन आइसोनियो भी यूज करने लगे, अगर अनब्रांच थे तो एन और अगर ब्रांच थे तो आइसोनियो, उसमें ये आइसो दिख ही रहा था तो इसको आइसो ब्यूटायरोनिटाइल, इसको एन ब्यूटायरोनिटाइल। जैसे मान लो इसका कॉमन नेम क्या होता, कितने कार्बन है टोटल बताओ? फाइव कार्बन के लिए प्रीफिक्स देखो, कॉमन नेम का प्रीफिक्स क्या फाइव के लिए? आईयूपीएसी नहीं, कॉमन नेम वेलर 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 हाँ वेलर हाँ तो वेलर वेलर वेले वेलर तो प्रीफिक्स हो गया, और उधर सफिक्स क्या आएगा बताओ सीओएच का? समझ में आई बात सर? अनब्रांच है तो इसको एन वैलेरिक एसिड ऐसा, तो एन अनब्रांच के लिए फिर आइसोनियो इस तरह से चलता सर। पर आइसो में लगाना पड़ेगा ना प्रोपाइल है कि ब्यूटाइल है? नहीं 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 नहीं, अपन उसका वो नहीं कर रहे भाई, अपन रेसिड्यू पार्ट का नाम या वो सब नहीं दे रहे। एन आइसो नियो ये सब कॉमन नेम भी तो काम में आते हैं। ठीक है सर, भाई आइसो है और वेलर तो है पांच कार्बन। ओके सर ठीक है, पांच कार्बन के लिए वेलर टर्म आपने ले तो ली। हाँ सर ठीक है, और अगर उसको आईपीएससी में जाते तब आपको पेंट और पेंटा वो सब बातें करते, पेंटाइल लेके आईसो पेंटाइल वो सब आईपीएससी की बातें, आईपीएससी नहीं कॉमन नेम चलता। ठीक है सर। बट सर अगर इसको किसी ने मतलब आईसो प्रोपाइल की जगह उसने आईसो ब्यूटाइल समझ के उसको और आगे लगा दिया, नहीं गड़बड़ करा ना उसने, होगा तो आईसो वैलेरिक एसिड। भाई हम लोग टोटल कार्बन काउंट करते हैं उसके हिसाब से प्रीफिक्स लगाते हैं ना कॉमन नेम में भी। Yes, sir. टोटल कार्बन पांच है तो वेलर प्रीफिक्स आएगा ना। Yes, sir, मतलब उसने वेलर भी लगा दिया और साथ में ब्यूटाइल या प्रोपाइल कुछ भी लगा दिया, तो समझ जाएंगे कि वो बच्चा है अभी नया नया 10th से 11th में आया है। ठीक है yes, अभी sir. पढ़ ही रहा है, ये हम समझ जाएंगे। राइट आगे अभी इसमें क्या क्या देखो, इसका नाम क्या था, इसका आईपीसी हो गया और ये कॉमन नेम हो गया आइसो ब्यूटायरोनिटाइल, तो ये भी इसका नाम है क्योंकि नाम पूछा आईपीसी नेम्स पूछा है, तो ए वाला भी सही है बी वाला भी सही है। आइसोप्रोपाइल साइनाइड हाँ जी वो भी चलेगा, आइसोप्रोपाइल साइनाइड, आइसोप्रोपाइल साइनाइड चलेगा भाई, ये भी नाम तो है ही ना यार। नन ऑफ दीज साइनाइड तो सी एन के लिए साइनाइड बोलते कि नहीं सर? पर वो तो उसका बस नॉर्मल नाम है। नहीं तो नाम है ना, तू खुद बोल रहे ना वो उसका नॉर्मल नाम है। हाँ सर मतलब उसका वो नाम है, यस और नो? यस सर। तो वो नॉर्मल हो कॉमन नेम हो आईयूपीएसी, अरे नाम तो है ना। ठीक है मतलब उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा घर का तुम्हारा ऑफिशियल आईयूपीएसी क्या है बताओ, तुम्हारा नाम बताओ? आयुष्मान। आयुष्मान घर पे मम्मी पापा क्या बुलाते हैं सर? यही बुलाते हैं। अच्छा यार कोई दूसरा नाम तो होगा ना तेरा घर का, पड़ोस का, मोहल्ले का, कहीं का? आप ही ने रखा था कैप्टन अमेरिका। आप ही ने कैप्टन अमेरिका रखा था? मैंने कैप्टन अमेरिका रखा था तो मेरा दिया हुआ नाम, मतलब वो नाम है कि नहीं? तुम्हारे बैच वाले तुम्हें कैप्टन ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हैं ना। यस सर। तो नाम नाम है यार। ठीक है तो नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। चलो ठीक है सर। 47 47 में Which name is correct? इसका पूरा बताऊं कि केवल सी वाला बताऊं बेटा, जिसका डाउट था? तो के सर सिर्फ सी वाला ही बताइए। सिर्फ सी वाला बताऊंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, वो सी वाले में जो ऊपर था उसको यहां पर ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना। राइट वो ऐसा सर बस अब हो जाएगा, बस मुझे वो ही नहीं क्लियर हो रहा था। बच्चा तो मैंने उसका मॉडल भी बताया था कि नहीं बताया था ये बताओ? आपने तो उसमें याद है अगर उसको तुम यूं देखते थे तो वो बीच में दिखता था और यूं देखते थे तो ऊपर दिखता था। यस सर अब याद आ गया। याद आ गया ठीक अब हो जाएगा ना। ठीक
चलिए yes, आपके एक्सरसाइज वन के डाउट हुए 40 देखो क्या बोला इसने, इसका नाम क्या है भैया, टार्ट्रिक एसिड तो है ही यार, ये तो कॉमन नेम टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना? Yes, अच्छा इसका आईयूपीएसी का कौन है, 1, 2, 3, 4 आईयूपीएसी का 2P डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसको अगर और कॉमनली बोले तो ये अल्फा और ये भी सीओ से, तो ये अल्फा प्राइम, तो अल्फा प्राइम डाइहाइड्रोक्सी, अल्फा प्राइम डाइहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड। सर ब्यूट में डायओइक नहीं आएगा? हाँ ब्यूटेन डायओइक एसिड, ब्यूटेन 1.4 डायओइक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, अल्फा प्राइम डाइहाइड्रोक्सी, अगर ये नहीं होता तो ये सक्सेनिक एसिड होता कि नहीं होता? तुम्हें सक्सेनिक एसिड पता है कि नहीं? नहीं सर। देख जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके कॉमन नेम याद करने का एक शॉर्टकट बताता हूं, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कॉमन नेम वैसे तो याद करने होते हैं, बट एक शॉर्टकट बता रहा हूं, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, फिमेलिक एसिड। तो CH2N, COCO, जेनिफ्यूल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ओम्स क्या? OMS, GAP, ऑक्सैलिक मेलोनिक ऐसे याद करना। तो अगर यहाँ पर ये नहीं होता CH2 होता तो सक्सेनिक एसिड होता ना, क्योंकि CH N की वैल्यू 2, तो CH2 होगा। तो सक्सेनिक एसिड में अल्फा अल्फा प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो अल्फा अल्फा प्राइम डाई हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड। समझ में आया नाम कैसे आया? सर वहां पे अल्फा बीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों सीओ से बेटा एसिड, अगर ये नहीं होता तो फिर अल्फा बीटा। ठीक है सर, ठीक है चलो। तो इसका एक नाम हो गया अल्फा अल्फा प्राइम और दूसरा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, राइट? यस सर। सर इसका कॉमन नेम टार्ट्रिक एसिड कैसे आया होगा? नहीं नहीं टार्ट्रिक एसिड तो याद ही करना है, टार्टरिक एसिड तो याद ही करना है। टार्टर अपने घरों में होता है, खटाई के लिए यूज करते हैं, मम्मी से पूछना, मम्मी टार्टरिक एसिड शायद नहीं जानती होगी, टार्टर के नाम से जानती होगी। सर ये तो मुझे भी पता है। यस सर। हाँ हाँ लेकिन वो ना है, मतलब उसको तो याद ही करना है, तो टार्टरिक एसिड। ओके सर चलो। और क्या डाउट भैया बताओ?